जनता मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें मेरठ से पहुंचकर एमएलसी स्नातक चुनाव के प्रभारी विमल शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा इस बार अपने प्रत्याशी दिनेश गोयल को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है, जिसे लेकर हमारे पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के द्वारा दिनेश गोयल जी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे सभी विधायक मंत्री अपने अपने विधानसभा में जाकर लोगों को चिन्हित कर वोटरों को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री विजय कश्यप, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, एमएलसी प्रत्याशी दिनेश गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और आदि लोग रहे। आज हम सब के बीच में श्री दिनेश गोयल जी जो गाजियाबाद में अपना कॉलेज चलाते हैं, वो विधान परिषद चुनाव में स्नातक सीट से प्रत्याशी हैं। उन्हीं की वार्ता के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए और सबसे उनकी पहचान के लिए, और वे अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने रख सकें ताकि स्नातक सीट से निर्वाचित होने के बाद वो जनता के काम आ सकें, युवाओं के काम आ सकें, छात्रों के लिए योजनाएँ बना सकें, जो आने वाले हमारे युवा हैं जो ग्रेजुएट हो चुके उनके माध्यम से, यानी आने वाले समय के अंदर देश में युवाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सके, उनका मार्गदर्शन वो कर सकें, वो सहयोग कर सकें, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता थी। दिनेश गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो हमारी स्नातक सीट है सहारनपुर क्षेत्र। मंत्री जी, आप ही की पार्टी हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है, घर पे हम चाहते हैं कि आप दिनेश गोयल जी से सवाल जवाब करें। रोल सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उम्मीदवार चुन गए पार्टी की, किस तरह की तैयारी आपकी चुनाव में, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने जितनी वोटें बनवाई हैं उसमें दो तिहाई हमारी हैं, बाकी में सबका हमारा है उसमें हिस्सेदारी, बाकी में सबका बंटवारा है। यानी अपने लोगों की बनवाई गई, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनवाई है। जो पुराने समय से रहे हैं, ये जो उन्होंने आज तक, मतलब जो 4-6 बार के हैं 6 बार के हैं 7 बार के हैं जो भी हैं, उन्होंने आज तक अपने लिए कुछ किया है, शायद मेरे लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनका फर्ज बनता था कि वो अपनी जगह दूसरे को कार्यकर्ता को डेवलप करते और उनको मौका देते, लेकिन हमेशा वो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर कार्यकर्ता को मौका देती है। एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये मौका दिया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी रहे हैं, वो पहले बूथ अध्यक्ष से बनते हुए हल्का तो उधर का फ्रेम बन जाएगा, तो इसके बराबर लगा। सर प्रेस वार्ता बुलाइए आज जी। क्या मैं आज, जैसा आप विदित है कि स्नातक और शिक्षक चुनाव विधिवत रूप से शुरू कर दिया चुनाव आयोग ने, उसके लिए नॉमिनेशन की डेट थी 5 से 12 तक, तो उसी क्रम में हम आज बैठक लेने आए थे। आज पार्टी ने अधिकृत रूप से स्नातक के लिए दिनेश चंद गोयल और शिक्षक सीट के लिए मेरठ और सहारनपुर के लिए श्रीचंद सर, तो ये अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब इसे पूर्व में बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, तो एक तो पहली बैठक थी जिसमें माननीय विधायक, माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, और अपने प्रत्याशी दिनेश चंद जी और जिला अध्यक्ष जी, इसी के लिए एक नियमित बैठक बुलाई गई थी। कल हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बैठक थी, अभी सभी जिलों की बैठकें हम करेंगे और 11 तारीख को संभवतः हमारे दोनों नॉमिनेशन दाखिल होंगे। एक सवाल है, आप ही के पार्टी के एक कुशपुरी जी हुए, काफ़ी पुराने हैं पार्टी से, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा, जबकि वो काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं? अभी बहुत ऐसे लोग हैं, 30-30 साल तक उन्होंने बिल्कुल अनवरत काम कर दिया जी, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है कि किसको लड़ाना है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन